आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2G का सॉल्यूशंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे। और 45 के पहले जो भी क्वेश्चंस और जो भी एक्सरसाइज है उसका हमारे प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन मौजूद है। यदि आप उसको देखना चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, 2 × x + y² - 9 × x + y - 5, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक्स प्लस वाई को लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम। तो यहाँ पर लिखते हैं 2m² - 9m - 5, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 × 5। और किसी तरह हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस नाइन आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 2m² - 10m + n - 5, और इन दोनों जो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा 2m, तो हमारे पास हो जाएगा m, एंड यहाँ पे 2 कॉमन ले चुके हैं यानी -5। अगेन यहाँ पे +1 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा m - 5, और ये दोनों पार्ट जो है हमारा मैच कर गया यानी 2m + 1 एंड m - 5। और जो m का वैल्यू है जब उसको हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू m = x + y, तो ये हो जाएगा 2m के जगह पर x + y - 5। अगेन यहाँ पे x + y - 5, तो हमारे पास हो जाएगा 2 में x से मल्टीप्लाई जाएंगे तो 2x + 2y - 5 एंड x + y - 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 46 जो है, 9a - 2a - b² - 4 × 2a - b - 13, तो इन दोनों इन पार्ट को 2a - b को 2a - b = हम m लेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9m² - 4m - 13, और इस तीन दोनों को हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117, तो हमारे पास किसी तरह से माइनस या प्लस माइनस में माइनस 4 आना चाहिए। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 9m² - 13m + 9m - 13। इन दोनों पार्ट में जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा m 9m - 13, और यहाँ से प्लस 1 जब वो कॉमन लेंगे तो 9m - 13, और यहाँ से ये दोनों पार्ट हमारा मैच कर गया यानी हमारा जो रिजल्ट होगा 9m - 13 एंड m + 1, और हमारे पास जो वैल्यू है m = 2a - b, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m = 2a - b, तो 9m के जगह पे 2a - b - 13, एंड यहाँ पे 2a - b - 1, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a - 9b - 13 एंड 2a - b + 1। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को नोट करना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2m + 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2y, और यहाँ पे प्लस 1 होगा, ये प्लस 1 होगा, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है 7 × x - 2y² - 25 × x - 2y + 12, यानी यहाँ पे लेट
x माइनस टू वाई इक्वल टू m कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7m² - 25m + 12 और इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 84 यानी 2 42 21 3 7 और हमको लाना 25 यानी 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 4 25 इसको हम लिख सकते हैं 7m² - 21m - 4m + 12 और इन दोनों पार्ट में हम कॉमन ले सकते हैं 7m तो हमारे पास बच जाएगा m - 3 और यहाँ से -4 हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा m - 3 ये दोनों पार्ट जो हमारा मैच लग गया यानी m - 3 and 7m - 4 द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू x - 2y तो x - 2y जो है वो m के जगह हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x - 2y - 3 and 7 into x - 2y - 4 अगेन ये हो जाएगा x - 2y - 3 and 7x - 14y - 4 अगेन क्वेश्चन नंबर 48 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसको हम देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4x² + 7x² - 2 और ले x² = y कर लेते हैं तो ये 4y² + 7y - 2 और सर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो यहाँ पर लिखते हैं 4y² + 8y - y - 2 क्योंकि 8y में से -y करेंगे तो 7y हो जाएगा और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और इन दोनों पार्ट में हम कॉमन ले सकते हैं 4y तो हमारे पास बचेगा y + 2 एंड अगेन यहाँ पर जब -1 कॉमन लेंगे तो इसका सिंबल उल्टा है यानी y + 2 हो जाएगा ये दोनों पार्ट में मैच कर दिया यानी y + 2 and 4y - 1 द वैल्यू ऑफ y = x² तो जहां जहां y है वहां पर हम x² पुट करेंगे यानी y के जगह पर x² + 2 and 4x² - 1 तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 2G है ये खत्म होता है। आप इस दोनों क्वेश्चन को नोट कर लें और यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।